अगर आप भी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो रुकिए, यह वीडियो आपके काम की हो सकती है। जी हाँ, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल फोन खो जाना या फिर चोरी हो जाना बहुत ही आम सी बात हो गई है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपके फ़ोन की लोकेशन तुरंत पता कर सकते हैं और उसमें जो आपके पर्सनल डाटा है वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिससे आपको फ़ोन को दोबारा पाने में मदद मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भारत और मैं हूं तनु। फ़ोन खो जाने पर सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स और निजी फ़ोटोज़ होते हैं। हालांकि फ़ोन की चोरी होने या फिर खो जाने के बाद सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए ताकि आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। लेकिन हम आपको आज ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसके ज़रिए आप अपने स्तर पर भी अपने फ़ोन का पता लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो ट्रिक। अपने खोए हुए फ़ोन को वापस पाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। आपको बता दें कि जब भी आप गूगल अकाउंट के साथ किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में साइन इन करते हैं तो फाइंड माई डिवाइस अपने आप चालू हो जाता है। गूगल की मुफ्त फाइंड माई डिवाइस सेवा वह है जिसका उपयोग आप अपने फ़ोन को कभी भी ट्रैक, रिमोट लॉक और उसके डाटा को मिटाने के लिए कर सकते हैं। फ़ोन की लोकेशन जानने के लिए आपको अपने दूसरे फ़ोन में फाइंड माई डिवाइस को सर्च करना होगा। इस पर क्लिक करते ही एक नोटिफिकेशन आपके खोए हुए फ़ोन में भेज दी जाएगी। नोटिफिकेशन के भेजे जाने के तुरंत बाद ही आपके मोबाइल में आपके खोए हुए मोबाइल की लोकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा फाइंड माई डिवाइस का इस्तेमाल करके आपको अपने खोए हुए मोबाइल का लास्ट लोकेशन का भी पता चल सकता है। लोकेशन जानने के अलावा आपको तीन और ऑप्शन भी मिलेंगे जिसमें पहला साउंड प्ले करने का होगा। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आपके फ़ोन जोर जोर से 5 मिनट के लिए बजने लगेगा। ऐसा तब भी होगा जब आपका फ़ोन साइलेंट में हो या फिर वाइब्रेशन मोड पे होगा। दूसरे ऑप्शन सिक्योर डिवाइस का होगा जिस पर क्लिक करते ही आपको मोबाइल दिए गए पिन, पासवर्ड या स्क्रीन लॉक की वजह से लॉक कर दिया जाएगा। वही तीसरे ऑप्शन में डाटा मिटाने की सुविधा मिलेगी जिससे आप अपने खोए हुए फ़ोन का डाटा आसानी से मिटा सकते हैं। इस ऑप्शन के जरिए आप अपने पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोस डिलीट कर सकते हैं जिससे कि आपकी पर्सनल फ़ोटो और वीडियो किसी अनजान व्यक्ति के हाथों ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति आपके पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियो को गैरकानूनी कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। ऐसी देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारा भारत के साथ।